नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम कोई रेसिपी लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अब दिवाली आ रही है, करवा चौथ है, तो हम फटाफट घर की सफाई करने वाले हैं और एकदम नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को आप बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं, ये मेरे घर की किचन की हालत है। ये देखिए किचन की गैस और साथ में ही हमारा किचन कितना गंदा है। या अभी जस्ट मैंने खाना बनाया और ये ऊपर की टाइल्स देखे तो ये भी चिकनी है, थोड़ा टाइम नहीं मिला इसी वजह से साफ़ नहीं किया। मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो ही क्यों ना शेयर किया जाए कि किचन को मामूली सामान के से हम किचन को कैसे अच्छे से साफ सुथरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, अक्सर हम जब खाना बनाते हैं तो वो तेल वेल छींटे उठे किचन की टाइल्स पे जाते हैं और इस तरह से चिकना बन जाता है। तो इस तरह से पहले तो हम पूरे प्लेटफॉर्म को साफ करेंगे और फिर सूखे कपड़े से हम उसे साफ़ कर लेंगे। इस तरह से जो मिट्टी है और गैस के नीचे भी इस तरह से साफ़ कर लेंगे। फिर एक पानी बनाएंगे, मैंने 2 गिलास पानी लिया हुआ है, इसमें खाने का सोडा, नमक और साथ में ही एक नींबू। नींबू खट्टा होता है तो इससे आसानी से हमारी दीवार जो है वो साफ़ हो जाएगी, और खाने का सोडा भी वही काम करता है। आपने अक्सर बर्तन मांजने वाले साबुन से साफ़ करते हैं, पर एक बार आप शैम्पू से साफ़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले उस पानी को हम गर्म करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें इसमें मिल जाएं। फिर गीले हाथों से एक कपड़ा लेंगे, उसे जहाँ जहाँ पे हमारा चिकना है उसे गीला कर देंगे, और उसके बाद ये नॉर्मली कत्था हमने लिया हुआ है, इस तरह से खिड़की पे, दीवार पे सभी को आराम से घिस लेंगे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, हमें घिसना नहीं पड़ता काफ़ी टाइम तक। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो विनेगर या सिरका है तो वो भी, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और सभी कोनों को उस पानी से अच्छे से धो लीजिए, इस तरह से हल्के हाथों से। देखेंगे कि प्लेटफॉर्म अच्छे से साफ हो जाएगा, सिर्फ हमें थोड़ा सा उस पानी को लगा के हल्के हाथ से साफ करना है। इस तरह से अक्सर ये देखते हैं वाइट रहता तो ज़्यादा दाग धब्बे ज़्यादा दिखते हैं, तो आप इस तरह से इसकी सफाई कर सकते हैं। पूरी प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से इस पानी से चारों कोनों में अच्छे से हल्के हाथों से साफ कर लेंगे, और ये टाइल्स थोड़ी थोड़ी प्लेस खाली है तो इसे इसमें गंदगी बैठ जाती है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म के बिना गैस को हटाए ही हम आसानी से साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी जगह पे पानी लगा दीजिए, और इससे हम गैस भी साफ कर सकते हैं। इस पानी को सिर्फ गैस के ऊपर लगाना है, हर हल्के हाथों से रगड़ना है, और ये देखिए अच्छे से हमारी दीवार साफ़ हो गई है जो किचन की थी। एक गीला कपड़ा लीजिए, साफ पानी से उसे धो लीजिए, और इसके बाद दीवार को पोंछ लीजिए इस तरह से। ये देखिए साफ करके चारों तरफ साफ़ कर लीजिए, और उसी से हमने जो गैस साफ़ की थी उसे भी पोंछ लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही यूज़फुल हमारा फॉर्मूला है, झटपट हमारा किचन साफ़ हो जाता है 10 मिनट के अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने किचन को पूरी साफ़ कर दिया है। अब मैं आपको पूरा अपना किचन दिखाती हूँ कि कितने सफाई से हमने टाइल्स नीचे की किचन की साफ़ की, ऊपर टाइल्स साफ़ किया, और कि हमने गैस स्टोव भी इसी मैजिक पानी से साफ़ किया है। बहुत ही एक कम समय में बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है जितने भी जिद्दी दाग धब्बे रहते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ।